Hello viewers, today I am going to tell you a video file format and codec basic. जब आप अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका ओरिजिनल ऑडियो वीडियो का जो फॉर्मेट होता है वो कन्वर्जन कर दिया जाता है YouTube की वजह से, जिसकी वजह से वीडियो का बहुत अच्छा आपका नहीं अपलोड होता है। तो डिफॉल्ट मेथड आप उसका यूज़ कीजिए और वीडियो जो फॉर्मेट यूट्यूब सपोर्ट करता है उस फॉर्मेट में बना के अपलोड कीजिए, तब आपका वीडियो सही और अच्छा अपलोड होगा। जानिए क्यों ऑडियो वीडियो यूट्यूब पर अच्छा नहीं होगा जब आप अपना वीडियो अपलोड करेंगे। अच्छे वीडियो के लिए सही फॉर्मेट का चयन करें। कोडेक बेसिक video file can be large program called codec. We are developed to make them easier to store and share. Codecs encode data to and compress it for storing and sharing. Then they decode that data to decompress it for viewing and editing. जब आप अपना वीडियो डालते होंगे तो वो इसको कंप्रेस करता है और दिखाने लायक बनाता है। The most common codec for video compression is H.264 or AVC. जो कंप्रेस फॉर्मेट बनता है वो H.264 और AVC बनता है। आज हम आपको सारे वो फॉर्मेट बताने वाले हैं जो YouTube सपोर्ट करता है, जिससे कि आपका वीडियो अच्छा HD फॉर्म में अपलोड हो सके। Understand the top video file extension. अब कौन कौन से फाइल एक्सटेंशन है जो कि आपके आपको पता होना जरूरी है। ऑडियो फाइल फॉर्मेट और फाइल एक्सटेंशन आर द कंटेनर्स और रैपर फॉर दीज कोडेक। एज विद अ लॉसी ऑडियो फाइल फॉर्मेट मोस्ट वीडियो फॉर्मेट लूज डेटा इन कंप्रेशन। जो आपका वो ऑडियो धीमा हो जाता है वो इसी वजह से हो जाता है क्योंकि वो फॉर्मेट को लूज कर देता है कंप्रेशन के समय। Which format you choose depend on the balance you want to strike between quality and ease. These are the most common digital video format and their most frequent uses. हम लोग जो format use करते हैं वो हो सकता है YouTube पे support ना करे, जिसकी वजह से जब वो compress करता है video को, process करता है video को, तो आपका video की quality different हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है। अब कौन कौन से फॉर्मेट हैं वीडियो के, वो है MP4, जिसमें हम जनरली MPEG-4 पार्ट 14 जिसमें जनरली हम लोग अपने वीडियो को अपलोड करते हैं। MP4 इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वीडियो फाइल फॉर्मेट। एप्पल्स प्रेफर्ड फॉर्मेट MP4 कैन प्ले ऑन मोस्ट अदर डिवाइस एज वेल। It uses the MPEG-4 encoding algorithm to store a video and audio file and text, but it offers lower definition than some others. MP4 works well for video posted on YouTube, Facebook, Twitter and Instagram. क्योंकि ये सभी पर compatible है, इसलिए MP4 जो है सबसे ज़्यादा support कर होता है इन सब platform पे। MOV Quick Time Movie stores high quality video, audio and effects, but these files tend to be quite large. अब MOV तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल होती है। Develop for a quick time player by Apple MoFile use MPEG-4 encoding to play in a quick time for Windows. MOVs are supported by Facebook, YouTube and it work well for TV view. अब ये MOV क्यों नहीं सपोर्ट करता, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट नहीं करता है। Facebook, YouTube पे सपोर्ट करता है और TV के लिए बना है और क्विक टाइम फॉर विंडोज के लिए बना है, जिसपे आपका ये वीडियो प्ले होता है। WMV विंडोज मीडिया व्यूअर फाइल्स ऑफर गुड वीडियो क्वालिटी इन लार्ज फाइल साइज लाइक MOV विंडो मीडिया व्यूअर। माइक्रोसॉफ्ट डेवलप WMV फॉर विंडो मीडिया प्लेयर। यूट्यूब सपोर्ट WMV एंड एप्पल यूजर्स कैन व्यू दिस वीडियो, बट दे मस्ट डाउनलोड विंडोज मीडिया प्लेयर फॉर एप्पल।
अब एप्पल पे क्या प्रॉब्लम है कि आपको उसके लिए विंडोज मीडिया प्लेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप की फाइल को WMV को देख पाएंगे। कीप इन माइंड यू कांट सेलेक्ट योर ओन एस्पेक्ट रेशियो इन WMV। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप एस्पेक्ट रेशियो को नहीं सेलेक्ट कर सकते WMV के साथ। अब एस्पेक्ट रेशियो क्या है, इस पर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एस्पेक्ट रेशियो क्या था। 16:9, 9:16, 1:1, 3:4 एंड सो मैनी। तो एस्पेक्ट रेशियो हम नहीं चेंज कर सकते। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव, AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव वर्क्स विथ नियरली एवरी वेब ब्राउजर ऑन विंडोज मैक एंड लिनक्स मशीन। आप मेरे ख्याल से जानते ही होंगे कि विंडो मैक और लिनक्स क्या है। दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू विच वी रन आवर वीडियो फाइल। डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट AVI ऑफर्स द हाईएस्ट क्वालिटी बट ऑल्सो लार्ज फाइल साइज। इट इज़ सपोर्टेड बाय YouTube एंड वर्क वेल फॉर TV viewing। तो अच्छा ये है कि YouTube काफ़ी फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है और ये TV के देखने के लिए बना हुआ है ऑडियो वीडियो इंटरलिंक। AVCHD एडवांस्ड वीडियो कोडिंग हाई डेफिनेशन। अब हाई डेफिनेशन HD क्या है, हाई डेफिनेशन। तो वीडियो की कोडिंग जो होती है वो हाई डेफिनेशन में जब आप करते हैं तो वीडियो अच्छा चलता है। एडवांस वीडियो कोडिंग हाई डेफिनेशन इज स्पेसिफिकली फॉर हाई डेफिनेशन वीडियो बिल फॉर पैनासोनिक एंड सोनी डिजिटल कैमकॉर्डर। दीज फाइल्स कंप्रेस फॉर इजी स्टोरेज विदाउट लूजिंग डेफिनेशन। अगर HD फॉर्म में, इसीलिए बार बार YouTube कहता कि आप अपने वीडियो को HD फॉर्म में अपलोड कीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी क्वालिटी उसमें लूज ना हो और आपका वीडियो अच्छे से लोगों को दिखे और सुनाई दे। तो आप कोशिश करिए कि अपने वीडियो को HD फॉर्म में अपलोड करिए। FLV, F4V एंड SWF फाइल। फ्लैश वीडियो फॉर्मेट FLV, F4 एंड SWF फाइल शॉक वेव फ्लैश आर डिजाइन फॉर फ्लैश प्लेयर बट दे आर कॉमनली यूज टू स्ट्रीम वीडियो ऑन YouTube। फ्लैश इज नॉट सपोर्टेड बाय iOS डिवाइस। हमने तो फ्लैश की पूरी प्लेलिस्ट ही बना रखी है और फ्लैश कैसे काम करता है उसको हमने काफ़ी दिन आपको पढ़ाया है, उस पर टीच किया है, उसको उसकी प्लेलिस्ट आप देख करके फ्लैश को रन कर सकते हैं। और लेकिन ये iOS डिवाइस पे सपोर्ट नहीं करता है। तो ये बहुत ही अच्छी एनिमेशन फाइल बन जाती है फ्लैश में। MKV डेवलप इन रशा मेट्रोक्सा मल्टी मीडिया कंटेनर फॉर्मेट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स। इट सपोर्ट नियरली एवरी कोडेक बट इट इज नॉट इटसेल्फ सपोर्टेड बाय मेनी प्रोग्राम्स। MKV is a smart choice if you expect your video to be viewed on the TV or computer using an open source media player like VLC or Miro. ये रशियन फैसिलिटी है जिसके थ्रू मेट्रोक्सा मतलब एक छोटी गुड़िया है जो जिसका मल्टी मीडिया उसका मतलब छोटी गुड़िया होता है और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू फैसिलिटी फॉर्मेट है जिसके थ्रू आप अपने वीडियो को बना सकते हैं, लेकिन ये TV और मीडिया प्लेयर VLC और माइक्रो के द्वारा चलता है, कंप्यूटर और TV पे देखा जा सकता है। WebM और HTML एंड MPEG-4। हमने HTML 5 भी आपको पढ़ाया है काफ़ी दिनों तक, अगर आपको पढ़ना हो तो उसको देखा है। पर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज WebM और MPEG जो वीडियो फाइल फॉर्मेट है, दीज फॉर्मेट आर बेस्ट फॉर वीडियो एम्बेडेड ऑन योर पर्सनल और बिजनेस वेबसाइट। दे आर स्मॉल फाइल सो दे लोड क्विकली एंड स्ट्रीम इजी। ये छोटी फाइल्स होती हैं, HTML फाइल होती है और जल्दी लोड हो जाती है
और इजीली स्ट्रीम हो जाती है, इसलिए ये सारी एम्बेडेड वीडियो फाइल अच्छी मानी जाती है और बिजनेस वेबसाइट के लिए बनी होती है। MPEG 2, इफ यू वांट टू बर्न योर वीडियो टू DVD, MPEG 2 विद अ H.262 कोडेक इज द वे टू गो। अब पहले क्या होता था, बैकअप बनाने के लिए CD या DVD यूज होती थी, तो उस पर जो भी इंफॉर्मेशन होती थी वो बर्न करके तब आप सेव करते थे। तो वही वो बोल रहा है कि अगर आप अपनी CD बना रहे हैं, DVD बना रहे हैं, तो उसके लिए MPEG 2 अच्छा है। एडिटिंग एंड एक्सपोर्टिंग वीडियो फाइल, जब फाइल बन जाती है तो उसको एडिट करते हैं और तब हम एक्सपोर्ट करते हैं। वेदर यू शूट योर फुटेज विद अ DSLR कैमरा, सिनेमा DNG और अदर HD वीडियो कैमरा, यू कैन वर्क विथ योर नेटिव कैमरा फॉर्मेट इन Adobe Premiere Pro विथ अ लाइट वेट वर्क फ्लो एंड सीमलेस इंटीग्रेशन विथ अदर Adobe ऐप। Premiere Pro allows you to create the video you want, even on mobile workstation. Once you have made your final cut, you can export to latest broadcast format. जब आप चाहे कैमरे से बनाइए चाहे मोबाइल से बनाइए वीडियो को, तो उसके बाद आप उसको एडिट करते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं यूट्यूब पे, तो या ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो ये लास्ट स्टेप है जब आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं या अपलोड करते हैं। तो बी केयरफुल एंड डू द एडिटिंग प्रॉपरली ऑन योर वीडियो, सो उसके उससे आपका वीडियो अच्छा दिखे। Adobe Premiere Pro एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने ये लाइट वेट वर्क फ्लो देता है और स्ट्रीमिंग के लिए अच्छा होता है और इसमें एडिटिंग बहुत अच्छी होती है। Premiere Pro भी आपका अच्छा है। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मल।